आप पंजाब के जो पसमांदा और गरीब तबका है उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। आज मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबरान जो पंजाब असेंबली है अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। तो मैं अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा और हमेशा सदर जरदारी का ये तरीका रहा है कि वो इनफैक्ट मेरे अपने पार्टी इस बात के तो हमेशा शिकायत करता है मगर ये इसका तरीका रहा है कि वो बिला तफरीक कोशिश करता है कि तमाम सियासी जमातों के जो मेंबरान हैं मेंबरान असेंबली हैं या वैसे इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो उसी मोहब्बत के साथ उनसे मिलते हैं जैसे वो अपना पार्टी के नुमाइंदे से मिलते हैं। तो आपका जो हमारा जॉइंट उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन की सिलसिले में जो इंशाल्लाह ताला चारों सूबों के और अपने ही सबसे पहले अपने इलेक्टेड जो कि तमाम सूबे के सूबाई असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली का सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं उनका इंशाल्लाह ताला ख्याल सदर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो रखे। और वक्त का तकाजा भी ये है पाकिस्तान जिस बहरान से जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है तो हमें सदर पाकिस्तान का जो होता है वो इस वफाक का नुमाइंदगी कर रहा है और अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना है हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया लेकिन हल हमने मिलके करना है और अगर हमने इस तकसीम को इस बुरान को एड्रेस करना है जहाँ आप सब शायद इस मेरा बात का तायद करेंगे कि हमारे मुआशरे अब कुछ इस किस्म के बन रहे हैं कि हम सियासी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ भी मिलाने के लिए तैयार नहीं और ये पाकिस्तान की सियासत का पाकिस्तान के सकाफत का भी हमेशा हमारा ये ऐसा नहीं रहा है। और उम्मीद ये है ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से कि हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। ये पाकिस्तान के अवाम का भी मुतालबा है कि हम ऐसे उनके लिए एक रास्ता निकालें जिससे हमारे मुआशरे हमारे पूरा सोसाइटी जो है वो तरक्की करना शुरू करें। और उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चारों सूबों के जो वज़ीरे आला है आपकी पंजाब का मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और सदर पाकिस्तान सब मिल के इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि हम हार्मनी के साथ चारों सूबे और वफाक आगे मिल के चले। जो मुआशी बुरान है जो लॉ एंड ऑर्डर का दहशतगर्दी का ख़तरा है और तमाम जो पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के मसाइल हैं हम उनका मिल के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला।